नमस्ते शशिकाल एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। आज मैं आपको एक स्पेशल डोसा बैटर के बारे में बताऊंगी। डोसा बैटर जो डोसा वेरी सॉफ्ट रहते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं, और इसके साथ साथ पल्ले की चटनी। ठीक है, चलिए देखेंगे। ये देखिए, मैंने एक कप उड़द दाल और दो कप बॉइल्ड राइस अच्छे से 4 घंटों के लिए भिगो लिया और उसके बाद मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ। ग्राइंडर में पीसने से डोसा बहुत बहुत सॉफ्ट रहता है फ्रेंड्स। इस तरह अच्छे से पीस लीजिए, बहुत नरम होना इम्पॉर्टेंट है। ये कम से कम 45 मिनट्स तो लगेगा ग्राइंडर पे। टाइम दीजिए, प्यार दीजिए और डोसा बैटर बना लीजिए। देख रहे ना, इस तरह डोसा बैटर हमारा बन चुका है। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा, जो हम लोग डोसा में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, वो सोडा 1/2 स्पून डाल दीजिए और नमक अपने हिसाब से नमक भी डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल जा रहा है क्या, इसमें हम लोग डालेंगे राइस फ्लोर। राइस फ्लोर डालने से डोसा बहुत सॉफ्ट रहता है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है आपको, कोई क्या करते हैं, राइस जो पका हुआ राइस है आटा पीसने के टाइम पे डालते हैं, लेकिन मैं ये राइस फ्लोर डाल रही हूँ। सॉफ्टी सॉफ्टी डोसा आएंगे फ्रेंड्स। इस तरह थोड़ा पानी भी डाल दीजिए, राइस फ्लोर डाल के बैटर रेडी कर दीजिए। चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, डोसा के लिए फल्ली की चटनी। फल्ली नारियल की चटनी बना रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट डोसों के लिए ये चटनी ज़बरदस्त टेस्ट देगा फ्रेंड्स। और आपको पता है ना, जब भी आप फल्ली की चटनी बनाओ, अच्छे से फल्ली को भून कर अच्छे से ठंडा करने के बाद उसके छिलके उतार लीजिए। ओके, तो ये भुनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। इस तरह हम लोग रेड भुनना है। आपको पता है फल्ली भुन गई, इसका कैसे समझ में आता है हम लोगों को, चटपट चटपट आवाज़ बहुत करता है ना, तो ये भुन गया है। अभी हम लोग इसको ठंडे कर इसका छिलका उतार लेंगे। देखिए इस तरह उतार कर हम लोग फल्ली का रेडी कर रहे हैं चटनी के लिए। चलिए अभी इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें, नारियल, आधा नारियल डाल दीजिए। ठीक है, और हरी मिर्च और लाल मिर्च, आपको पता है ना चटनियों में ये दो कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जीरा, लहसुन, थोड़ा सा धनिया, धनिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी इमली, बहुत थोड़ी सी इमली फ्रेंड्स। ये तो आपको पता है बगार के लिए, करी पत्ता, लाल मिर्ची, राई, जीरा, हींग और हल्दी। ठीक है, अभी प्रिपरेशन में जाएंगे। तेल थोड़ा गरम कर लिया, उसमें जीरा डाल दिया। पहले जीरा डालिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा रेड होने के बाद ही लहसुन डालिए, और लहसुन भी अच्छे से रेड होना है, होने के बाद हम लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों भी डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब हरी मिर्च और लाल मिर्च फ्राई हो जाएंगे तो हम लोग इसमें डाल देंगे नारियल। नारियल डालकर अच्छे से भून लेंगे। आधा नारियल को छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और डाल दीजिए। साथ ही साथ डाल रहे हैं हम लोग फल्ली, फल्ली नारियल की चटनी। इस तरह अच्छे से हम लोग भून लिया और थोड़ी देर ठंडा कर दीजिए, तभी मिक्सी में डालेंगे। ठीक है, ये जब ठंडा हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, बगार प्रिपरेशन में जाएंगे। चलिए बघार कर देंगे। बघार के लिए आपको पता है उसी तेल में थोड़ा और तेल डालकर सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, हल्दी, हींग, जीरा डालकर अच्छे से भून लेंगे इसको। थोड़ा सा अच्छे से भून लीजिए, भून कर उसको बाजू में रख देंगे। ठीक है, जब हम लोग ये साइड में रख देंगे तभी हम लोग मिक्सी जार में सारे जो नारियल, फल्ली, हरी मिर्च और थोड़ी सी इमली डालकर अभी क्या करेंगे, इस प्रोसेस पे थोड़ा नमक डाल दीजिए। नमक डालकर और थोड़ा पानी डालकर इसको बना लीजिए, क्या मिक्स ही कर दीजिए। थोड़ी सी इमली डाल दी, थोड़ी धनिया डाल दिया और मिक्स ही कर लिया। ज़्यादा मत पीसिए फ्रेंड्स, एकदम से पेस्ट जैसा मत करिए, थोड़ा सा बरकरार रहना इम्पोर्टेंट है, ताकि ना डोसे में बहुत ही टेस्ट रहेगा। और जा रहा है क्या बघार, बघार डाल दिया, इसको अच्छे से मिला लिया और डोसा के लिए रेडी कर दिया। मैंने बताया ना फ्रेंड्स डोसा बैटर, और मेरे अर्लियर वीडियोस में मैंने बताया डोसा कैसे डालते हैं, तो आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी। डोसा तो आपको पता है, बैटर मैंने बना दिया,
इस तरह मैंने देखी ना सॉफ्ट सॉफ्ट डोसा बना लिया, और सॉफ्ट डोसा से पल्ली की चटनी के साथ, और आपको इसमें हम लोग कड़ी पत्ते का पाउडर बनाया याद है, कड़ी पत्ते का पाउडर भी खा सकते हैं, मिर्ची के साथ भी खा सकते हैं। पसंद आया ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। अभी के लिए साइनिंग ऑफ MRP।